अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ट्रेंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे, जैसे ट्वीट टाइप करते हैं, ट्वीट टाइप करें और यहाँ पे आप कोई भी कैप्शन लिखे, अपनी जो कैप्शन है नीचे, वो जो हैशटैग आपको दिया गया हो वो आप लास्ट वन आपने डालना है। जैसे अब ये मैंने एक कैप्शन लिखी और उसके नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद का हैशटैग है। याद रखें कि एक ट्वीट में एक हैशटैग यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें। और दूसरी बात कि आप जस्ट पिक्चर लगा के हैशटैग लिखें और कैप्शन ना लिखें तो वो काउंट नहीं होता। तो कोशिश करें कि आप कैप्शन लाजमी लिखें और साथ पिक्चर अटैच करनी है। तो ये पिक्चर मैंने अटैच कर दिया है, अब मैं इसको ट्वीट कर दूंगा। अगर आपने, आपको कहा गया हो कि आपने थ्रेड में लिखने हैं 2 3 4 ट्वीट एक साथ कनेक्ट करके थ्रेड में, तो ये ट्वीट है। जैसे अब नीचे प्लस का साइन है, यहाँ पे मैं प्लस करूँगा तो एक और ट्वीट साथ ऐड कर सकता हूँ, वो ऐड हो जाएगी। तो उसको मैं लेके फिर जो तमाम ट्वीट्स होंगी वो एक साथ ट्वीट कर दूंगा। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि आपने ड्राफ्ट बनाना है वक्त से पहले और जो टाइम दिया गया उस टाइम पे शूट करने हैं, एक साथ मिलके ट्वीट करने हैं, मिसाल के तौर पे 9 बजे ट्रेंड अगर स्टार्ट करना है तो आपने पहले ड्राफ्ट बनाना होता है। वो किस तरह बनाएंगे? अब मैंने ये ट्वीट लिखी है, मैंने ये ट्वीट लिखी है, इसको ट्वीट करने से पहले मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बैक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव ट्वीट, तो इसको सेव कर दूँगा। अब जब दोबारा मुझे ट्वीट करनी है तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ड्राफ्ट्स होंगे, ड्राफ्ट्स के अंदर वो मेरी ट्वीट सेव होगी, उसको क्लिक करूँगा और उसको ट्वीट कर दूँगा जिस टाइम पे ट्वीट करनी हो। अब ये ट्वीट हो जाएगी, ये मेरी ट्वीट जो है ना ये सेंड। अब ये मेरी ट्वीट हो गई है तो मैं यहाँ पे दोबारा, अब रीट्वीट किस तरह करने हैं, इस हैशटैग पे क्लिक करूँगा। हैशटैग पे जब क्लिक करूँगा तो जितने भी इस हैशटैग को यूज़ करते हुए जितनी भी ट्वीट्स होंगी वो सब मुझे शो हो जाएंगी। अब ये टॉप पे हैं, यहाँ पे आप लेटेस्ट पे आएंगे, टॉप वाली भी आप रीट्वीट कर सकते हैं, वरना लेटेस्ट पे आएंगे, जो लेटेस्ट ट्वीट हो उनको आपने यहाँ से रीट्वीट करना है। जितने ज़्यादा रीट्वीट करेंगे उतना जो ट्रेंड है वो पैनल पे आता है, वो टॉप पे आता है। तो ये तरीकाकार है ट्वीट करने का, ड्राफ्ट बनाने का और फिर रीट्वीट्स करने का। तो बेस्ट ऑफ लक।